लगाओ थे। तुम कब मरो तब हमारी छाती जुड़ा है। यहाँ घुटना छूने लगे हैं, धीरे धीरे देखो कहाँ जाता है। पैर कोई नहीं छूता, ज्यादा झुकना दुनिया में पसंद ही नहीं किसी को। और देखिए संसार में जो ज्यादा झुक के चला, जो नम्रता से चला, जो सहनशीलता से चला, उसी का सितारा चौचंद होता है, बाकी के तो मंद पड़े हैं। अब भैया वैसे इनका भी सिस्टम बन गया, धुंधकारी सवेरे उठा तकिया हटाई, देख रहो बंडल कहाँ है, बंडल माचिस कहाँ है, निकाला पिया, नीचे आया मैया भोजन बना रही है, लड़ गया, ए ला थोड़े पैसे ला, बाहर जा रहा हूँ। अम्मा भी बड़ी मगन, अरे हमारा इकलौता लड़का है, लो बउआ ले जाओ सब है तो तुम्हारे लिए, काय खूब पैसा आता। एक दिन अम्मा ने देखी सब जितने नोट आते गड्डी कम पड़ रही है, धीरे धीरे पैसा कम हो रहा है। अब अम्मा भी नाटक दिखाने लगी। एक दिन मांगा धुंधकारी ने तो मैया बोली, क्यों इतना पैसा ले कहां जाते हो, अब मैं नहीं दे पाऊंगी। अब तुम दी हो बच रही हो, लड़का की आदत काहे बिगाड़ी तुमने, पहले ही ना देती तो वो आज तुमसे नहीं मांगता। इन्होंने क्या किया, बोली बेटा मेरे पास में कुछ नहीं है, तुम मारने लगता, मैया को मारने लगता। देखिए माता पिता के संबंध की बात आई है, तुम कहेंगे जरूर। देखिए जिसने अपने माता पिता के हृदय को ठेस पहुंचाई दुनिया में, माता पिता को, कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता वो। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की दुआ अगर दे दे तो वो दुआ कभी खाली नहीं जाती। बर्तन मांझ के भी एक मैया चार बच्चों को पाल लेती है, पर शादी के बाद उन्हीं चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक मैया होती है ना तो घर गांव जोहार में काम करके ना 10-12 बच्चे पाल लेती है, और भैया शादी हो जाती है तो 10-12 बच्चे एक माँ नहीं पाल पाते। माँ को मारते हैं, मैंने कई जगह देखा, लातों से घूसों से बड़े बुरे बुरे व्यवहार करते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपकी औलाद सयानी है और आंखों के सामने देख रही है और तुम अपने माता पिता से गलत व्यवहार कर रहे हो, तो याद रखना वो दूर नहीं समय जब आपकी औलाद आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। अगर बच्चे के सामने अपने माता पिता को मारोगे ना, वो सारे संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगा। मैंने देखा है कई नॉर्मल घर के परिवार होते हैं, मिडिल क्लास जो फैमिलियां होती हैं, उन फैमिली में माता पिता लड़ रहे हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, माता पिता उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपनी लड़ाई में लगे हैं, बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, और बाद में दोष देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाया। बच्चे ने देखा कि माता पिता लड़ने में पड़े हैं, तो बच्चे ने भी गुस्से में कॉपी किताब बंद करके रख दिया, अरे पहले तुम लड़ लो बाद में हम पढ़ लेंगे। बताओ ऐसे घर में शांति आएगी? आप जो करते हैं, अगर बच्चा छोटा है तो मेरी माताओं ध्यान रखना, बच्चा अगर छोटा है जब तक वो समझदार नहीं हो जाता तब तक आप समझदार बन के रहना। बच्चा बाहर से कुछ सीख के नहीं आता, सब घर में सीखता है। घर में आप बच्चे के छोटे हो, बच्चा अगर छोटा है उसके सामने जैसा घर का माहौल बनाओगे बच्चा वैसे ही बन के निकलेगा। बच्चा छोटा है, घर में लड़ाई करोगे वो भी ऐसे ही करेगा, झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, लड़ाई करोगे वो भी वैसे ही करेगा। आप अगर बच्चे के सामने छोटा है बच्चा, उसके सामने अच्छा बोलोगे वो भी अच्छा बोलेगा। उसको सम्मान करना सिखाइए, अच्छा बोलना सिखाइए, समाज में उठना बैठना सिखाइए। दुनिया की जो व्यसन भरी चीजें हैं, मोबाइल टेलीविजन, इन सबसे दूर रखिए। तुम बेटा सफल हो जाओ उसके बाद में तुम खुद देखना। मैंने देखा है कि माता पिता बच्चों को बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं और बढ़िया बढ़िया खूब अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, फिर वो भैया चौथे पचे दिन बीमार हो जा रहे हैं, काहे वे फोन मारा दुखी कर, रात में नींद नहीं आती, तकिया में घुसे जा रहे हैं, रात भर सोते नहीं है। बेचारे पिताजी ले गए डॉक्टर के पास, अरे डॉक्टर साहब देखो ये कहा, जने कहा है सोता भी नहीं है, पता नहीं क्या नींद नहीं आती है, और ये रात में भर रात बहुत है। डॉक्टर ने पूरा शरीर चेकअप किया, बोले कोई दिक्कत नहीं महाराज, हम जान के नहीं कहा कौन दिक्कत है।
अब जल्दी करो, एक गले में जंजीरें डाल दो, अब कुछ उपाय नहीं है। अब भैया आजकल वही बात फेमस भी हो गई है, किसी लड़के का विवाह हो जाए तो अन्य लड़के क्या बात करते हैं, अरे हो गया बढ़िया हुआ यार, वो बिगड़ भी बहुत गया था, भले बेचारा अच्छा हो, नहीं 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 उसकी शादी हो गई, अरे बिगड़ गया था इसलिए माँ बाप ने जबरदस्ती कर दी। ऐसा माहौल बनाइए कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। आप गरीब हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को रूखा सूखा खिलाओ। 24 साल की उम्र तक अगर तुमने बच्चे को रोक लिया, थाम लिया, तो भाई साहब ज्यादा बात नहीं करते हैं, उसके आगे पत्थर भी भस्म हो जाएगा। हमने देखा है खूब बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं, घी दूध खाने पर भी यदि बच्चे का सूखा तन है तो भैया सीधी बात समझ लेना, बच्चा बदमाश बदचलन है। इससे बढ़के क्या है, शरीर से बढ़के हमें कोई सुख बता दो, अगर शरीर से बढ़के कोई सुख हो। लेकिन भैया इससे भी ज्यादा मोह मत करना, क्योंकि ये भी कभी धोखा दे जाएगी। किमती प्यारी करो इसी काया से, किमत प्यारी करो इसी काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगी, मत प्यारी करो इसी काया से। ध्यान देना भैया, मती प्यारी करो इसी काया से, एक दिन तो लगा दे जाएगी, और सब रिश्ते नाते टूटेंगे, सब रिश्ते नाते तुझे अंत समय दुनिया में भी जिस चीज को हम यहाँ से चाहते हैं ना, यहाँ से वो चीज अक्सर मिलती नहीं है। जिस चीज को पाना चाहते हैं वो मिलती नहीं, और जिस चीज को छोड़ना चाहते हैं वो छूटती नहीं। भगवान और क्या बताया, तूने प्रेम न जाना जीवन में, जीवन भर पाप कमाया है, ये पाप की लाठी तो एक दिन, ये पाप की लाठी तो एक दिन तुझ पर ही काया से एक दिन तो दगा दे जाएगी। आत्मदेव ने एक दिन देखा कि दोनों बच्चों के कर्म अलग अलग हो गए, एक बच्चा शराब पीता है, नशा करता है, माता पिता के साथ बदसलूकी करता है, और भैया वो मैया जो एक दिन बड़ी खुशी खुशी में लड़का को नाम रख रही रहा है, आज वो भी रो रही है, बोली अगर हमने अपने पति की बात मान ली होती और वही संत भगवान का फल खा लिया होता तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती।
पति से झूठ बोला, पति का अपमान किया, आज नतीजा सामने है कि बेटा बात नहीं मानता। धुंधकारी सवेरा होता है, बेस्याओं की संगति करता, शराब पीता, जुआ खेलता, व्यसन में शरीर को बर्बाद करने लगा, घर की संपत्ति को बर्बाद करने लगा। शराब पीकर के घर में प्रवेश करता, बाहर की गंदी संदी ऊर्जा लेकर के घर में आता। लक्ष्मी मैया भी बुरा मान गई, घर छोड़ के निकल गई, कुछ नहीं बचा घर में। तो एक दिन की बात, पिता आत्मदेव ने गोकर्ण को बुलाया, बेटा बड़ी दुख की बात है, मेरी दो औलादे हैं, मैंने किसी से भी सुख नहीं पा पाया। मैं कहीं भी जाता हूं तुम्हारा नाम लेता हूं तो सम्मान होता है, इस पापी का नाम लेता हूं तो मेरी बेइज्जती हो जाती है, सर नीचे झुक जाता है। औलाद सयानी है, समझदार है, और फिर भी मां बाप परेशान है ना, तो ऐसी औलाद को मर जाना चाहिए। किस लिए तुम पैदा हुए? मैंने देखा एक बार एक लड़का था, बड़ा अभिमानी था, कहीं उसने सुन लिया व्यास मंच से मैंने कह दिया कि माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। उस लड़के ने सुन लिया तो उसको गुस्सा आ गई, बोला ऐसा क्या कर देते माँ बाप जो माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। सभी माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। वो लड़का बड़ा घमंडी था, माताओं घर आया, अपनी माँ से बोला गुस्से में, ए मैया भोजन बाद में देना, एक बात बताओ। क्या बेटा? ये बताओ ये दुनिया के लोग एक बात क्यों कहते हैं? कौन सी बात? ये पूरी दुनिया के लोग एक बात कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। क्यों नहीं चुका सकते भाई? माँ बोली क्यों बेटा, तुम चुकाओगे? हाँ मैं चुकाऊंगा, बताओ क्या करना है, मैं कर दूंगा। तुम माँ बाप अगर बच्चों के लिए कुछ करते हो तो ये क्यों कहते हो कि हमने किया है, तुमने ऐसा क्या कर दिया, हम तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहते हैं मैया, तुम हमको बताओ कि तुमने जो जो हमारे साथ में किया है उसका हिसाब किताब हमसे ले लो। माँ बोली वारे बेटा, तू माँ का कर्ज चुकाएगा, चलो अच्छा मान लिया, तुम बउआ कुछ मत करना, बस एक रात हमारे साथ में लेट जाना, ध्यान से सुनना भैया। मैया बोली बेटा कुछ मत करना, बस रात में हमारे पास लेट जाना और मैं जान जाऊंगी तुम माँ का कर्ज चुकाना चाहते हो। लड़का बोला ठीक है, उसमें कौन सी दिक्कत है, मैं लेट जाऊंगा। रात हुई, मैया ने खाना पीना खाया और दो बिस्तर लगाए, एक पे मैया लेट गई, एक पे बेटा लेट गया। और जैसे ही रात के 12 बजे मैया ने आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी है थोड़ी पानी ले आओ। लड़का उठा, पानी लाके दे दिया, मैया ने पानी पिया तो पीते पीते जान बूझ करके लोटा जमीन में गिरा दिया। मैया बोली बेटा अरे बुढ़ापे का शरीर है, हाथ कांप रहे हैं, फिर से भल्लाओ। लड़का गया फिर भल्लाया, मैया ने पिया, और जैसे ही लड़का सोने चला मैया बोली बेटा ये सुनो तो थोड़ी मेरी दवाई उठा करके दे दो। लड़का बड़ा परेशान गया, दवाई ले आया, ले। और जैसे फिर सोने चला मैया बोली लड़का बउआ सुनो सुनो, दवाई है महंगी आती है, इतने पैसे नहीं है, जहां से लाए थे वहीं रखा हुआ। लड़का सोया, बज गए 4, और 4 बजे की भैया नींद मौत के समान होती है, बड़ी गहरी नींद आती है। उस समय कितना भी सगा आदमी जगा दे वो भी दुश्मन लगता है। उतने समय मैया ने जगा दिया, बेटा बेटा उठो थोड़ा पानी लाओ, प्यास लग रही है। लड़का गया पानी ले आया, और जैसे ही माँ को दिया, माँ ने फिर गिरा दिया। ए लड़का चिल्ला पड़ा, पागल हो गई बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया, पूरी रात तूने मुझे सोने नहीं दिया, पूरी रात में तेरे पीछे परेशान रहा, पानी ला के देता हूँ तो जमीन पे गिरा देती है, कभी दवाई मंगाती कभी कुछ कुछ, अरे एक ही बार मंगा लो खा लो, क्यों बार बार परेशान करती हो। मैया आगे बढ़ी और गाल पे ताड़ से तमाचा मारा, नाला है तू माँ का कर्ज चुकाएगा, जब तू छोटा था ना तो रात के 1-1 बजे रोता था, 2-2 बजे रोता था, 3-3 बजे मेरी नींद हराम कर देता था, क्या मैंने तुझसे कभी सवाल किया? रात के 1-1 बजे दूध मांगता, कहीं कोई दर्द होने लगती मैं परेशान हो जाती, खुद नंगे पैरों भाग करके डॉक्टर को बुला के लाती। तू माँ का कर्ज चुकाने आया है? अरे तू तो तू है, अरे दुनिया का परमात्मा भी मैया की ममता के आगे मजबूर हो गया।
माँ की ममता कैसी है ये मैया से मिलके पूछो, प्रेमी की गति क्या होती है ये किसी प्रेमी से मिलके पूछो। माँ बोली तू क्या कर्ज चुकाएगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अरे संसार में सब कुछ हो सकता है पर माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता कोई। तू बिस्तर को गीला कर देता था, मैं खुद गीले में सो जाती थी पर तुझे सूखे में लिटा देती, हाँ मेरा बच्चा सुखी रहे, दिक्कत ना हो। 9 महीना पेट में रखा तब मुसीबत उठाई, और जब तक तू चलने नहीं लगा बोलने नहीं लगा तब तक मुसीबत उठाई, नहलाया धुलाया सोच क्रिया कराई, खुद भूखी रह करके तुझे खिलाया, मेरा शरीर गंदा रहता था पर तुझे नहलाती थी, खुद नहीं नहा पाती थी। तू चिल्ला देता था तो मेरा कलेजा फट जाता था कि मेरा बच्चा रो रहा है। तू माँ का कर्ज चुकाने आया है? ध्यान रखना, आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं पर माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, सब कुछ करना जिंदगी में, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ मेरी माताओं, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। मेरा गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, मैं परदेश में रहता हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत होती है ना, घर बैठे मैया को मालूम पड़ जाता है कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है, क्या मैं फोन करके बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर पुत्र का मैया के हृदय का कनेक्शन ही ऐसा है कि बेटा कहीं भी हो कितनी भी दूर हो अगर बेटे को दिक्कत है तो दुनिया में किसी को मालूम पड़े या ना मालूम पड़े पर माँ को मालूम पड़ जाता है। ध्यान रखना ऐसी होती है माँ। इस बात को मत भूलना। ऐसी होती है माँ बाप की ममता। कभी आप लोगों ने माँ बाप में अंतर समझा है? माँ अंदाजा लगाना वक्तव्य से, व्याकरण से, ग्रामर। माँ, माँ के सामने सबका मुंह खुल जाता है। माँ बाप, बाप के सामने सबके मुंह बंद हो जाते हैं। ऐसी है माँ, जो बात कहनी है ना तो माँ से कह लोगे लेकिन पिता से नहीं कह पाओगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के भी के लड़के के अंदर कोई मांग है कि हमको ये चीज लेनी है, पिता से नहीं कह पाएगा, अम्मा से कहेगा, मम्मी पापा से कह तो ये चीज ला दे, खुद नहीं कह पाएगा। ऐसी होती है माँ। माँ बच्चों को ये समझ करके पालती पोसती है कि बेटा जो आज हम तुम्हारे साथ में कर रहे हैं, मलमूत्र तुम्हारा उठाते हैं, तुम्हें सूखे में सुला करके गीले में सोते हैं, एक दिन हमारी भी वही दशा होगी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में हम भी चारपाई पर आ जाएंगे बेटा, मलमूत्र करेंगे, चल नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, पेशाब करेंगे तो बिस्तर पे करेंगे। तो बेटा तुम बुरा मत मानना उस समय, पर औलादें बुरा मान जाती हैं कि बड़े बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं। उस टाइम बेटा बुरा मत मानना, जितना मैंने तुम्हारे साथ में किया है बस उतना कर देना, समझ लो भैया बराबर हो गया। लेकिन कौन सुनने वाला है? माँ बाप की 100 में से 30% आजकल इच्छाएं पूरी होती हैं, 17% इच्छाओं में दरारें पड़ गई, इच्छाएं पूरी नहीं होती मेरी माताओं। ये समय आ गया है दुनिया का, पर क्या करें, लोगों को समझाते हैं, जरा जरा सी देर दिमाग में रख लिया फिर उसको बुला दिया, भैया एक बार मंदिर की बैठी देवी तुमको धोखा दे देगी,
पर एक बार माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जा, ये काम होके रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उस काम को करने से रोक नहीं सकती। जानते जब माँ बाप का कलेजा बच्चों के लिए रोता है ना, तो क्या धरती क्या आसमान, ऊपर वाले की भी छाती फट जाती है। ध्यान रखना, नारी बनाए, नर बनाए, बच्चे बनाई, औलाद बनाई, सबकी ममता देखी, पर माँ की ममता के आगे कोई ममता नहीं टिकी। जिसने ना चाटी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने, और जाके न गई हुई पांव बिमाई वो पीर पर आई क्या जाने। ऐसी है माँ की ममता। पिता आत्मदेव बोले, बेटा मैं क्या करूं, जहां भी जाता हूँ लोग मजाक बनाते, मेरी बेइज्जती करते कि देखो भैया फलाने का लड़का शराब पीता है। बेटा साहब तो मौज मस्ती में रहते हैं, समय बिता लेते हैं, पर पिता पिता भैया समाज में बैठता है। जब चार बूढ़े लोग समाज में बैठे होते हैं ना, तो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, वो अपने घर की बताएंगे। वो अपने घर की, भैया लड़का हमारा बहुत बढ़िया है, बढ़िया से नौकरी करता है, समय मिलता नहीं, कभी आता है तो हमारे साथ रहता है, कितनी अच्छी बात है। जो तीन सुनते होंगे उनके भी चेहरे उतर जाते होंगे। अगर एक पिता का बेटा नालायक है, शराबी है, तो वो पिता सिर्फ सबकी सुनता है, बोलता नहीं है। क्या बोले, क्या ये बताए कि हमारा बेटा शराबी है? कुछ ऐसा जीवन में काम करो जो आपके माता पिता समाज में भी आपका नाम लेने में ना हिचकिचाए। कुछ ऐसे बन जाओ जो दुनिया में कहीं पर भी जाए, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माता पिता दुनिया में कहीं भी जाए, एक बार छाती चौड़ी करके बोल सके कि मैं उस बच्चे का पिता हूं। बच्चे ऐसे काम करते हैं कि माँ बाप बच्चों का नाम लेने में शर्माते हैं। ऐसा दुनिया का समय बदल गया। गोकर्ण बोले, देखो पिताजी एक काम करो, वो लड़का अगर नालायक है तो उसके चक्कर में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से, अब वन में जाकर के भगवान का भजन करो। पिताजी इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। जो इतनी बात बोली तो महाराज आत्मदेव वन में भगवान का भजन करने चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रद्धा भाव के साथ में बोलेंगे सभी भक्त भगवान का संकीर्तन, और इसके बाद में समय हो गया है तो थोड़ी देर हमारे गुरुदेव संत महाराज जी के श्री मुखारविंद से चार अमृतमयी वाणी सुनेंगे, उसके बाद में आरती प्रसाद बोले।